एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकलमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। दो बड़ी खबर निकल कर आई है और दोनों ही जबरदस्त है। एक तो भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है जिसकी कल्पना न तो तुर्की ने की होगी, न ईरान ने की होगी, न पाकिस्तान ने की होगी और न ही अजरबैजान ने की होगी। आईएमएफ कॉरिडोर को लेकर सऊदी ने क्या संदेशा भेज दिया है भारत को, जानेंगे। एकदम से गेम कैसे पूरा का पूरा पलट गया है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सैक ट्रकों के बाद क्या चाइना का गैस पाइपलाइन उड़ गया है और बौखलाए हुए चाइना ने म्यांमार में एंट्री मार ली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि म्यांमार के युद्ध में शामिल होगा चाइना? क्या कुछ इलाकों पर कब्जा भी जमा सकता है? ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत को एक जगह पे सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो जगह है म्यांमार। म्यांमार में कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ हालात भी बदल रहे हैं। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि म्यांमार और चाइना के बीच एक प्रांत है शान, और इस शान में लड़ाई सबसे पहले शुरू हुई। शान इलाके पर सबसे पहले कब्जा हुआ और कब्जा होते होते अब स्थिति ऐसी हो गई है कि म्यांमार की जुंटा सरकार हिल गई है और उसके पास ताकत नहीं बची है कि अपने देश को संभाल सके। खुद सेना प्रमुख ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं कहीं म्यांमार के कई सारे टुकड़े न हो जाएं। और अब इन्हीं सब के बीच में म्यांमार में चल रही लड़ाई पर चीन की सेना ने बड़ी सख्त चेतावनी दी है। चीनी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो म्यांमार की सीमा पर किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब इस आपातकालीन स्थिति का क्या मतलब है? क्या युद्ध लड़ेगा? चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और म्यांमार में युद्धरत जो भी पक्ष हैं जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को बंद कर दीजिए, बातचीत के जरिए सुलझा लीजिए। चीनी रक्षा मंत्रालय का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक तरफ चाइना की सेना म्यांमार की सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रही है, घातक तोपे तैनात कर रही है। वहीं चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल बू कियान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो ने कहा कि चीन उत्तरी म्यांमार के हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है, साथ ही शांति बातचीत के लिए काम कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले शनिवार को शुरू हुए चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड के 3 दिवसीय युद्धक अभ्यास में सैनिकों ने हिस्सा लिया। ये अभ्यास म्यांमार की सीमा के पास चीनी इलाके में हुआ है। वो ने कहा कि चीनी सेना के इस अभ्यास का उद्देश्य सैनिकों की सीमा को बंद करने और तेजी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्षमता की जांच की गई ताकि सीमा क्षेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, स्थिरता को बनाए रखा जा सके। चीनी सेना के एक विशेषज्ञ ने ग्लोबल टाइम्स में कहा कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद चीन के राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करनी। अब एक तरफ जहां जमीन पर सीमा के पास जोरदार सैन्य अभ्यास किया गया है तो वहीं आर्टिकल देख सकते हैं चीनी नौसेना के 2 घातक युद्धपोत भी अब म्यांमार पहुंच गए हैं। चीन दावा कर रहा है कि हम दोस्ती खेल रहे हैं और 4 दिन के लिए हमने जो ये युद्धपोत भेजा है अपनी दोस्ती की निशानी भेजी है। पर जरा देखिए, दुनिया भर में कहीं कुछ हो रहा है, यूरोप आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, लेकिन म्यांमार में जो ये सारा तांडव चल रहा है जल्दी मीडिया पब्लिश भी नहीं करती है। अब जाके धीरे धीरे ये खबरें आ रही हैं। हमने सबसे पहले आपको इसके बारे में खबर देनी शुरू की थी, पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बड़े बड़े हाउस हैं अब जाके इस मामले में थोड़े आर्टिकल छाप रहे हैं। क्यों? तो आपको बता दें, म्यांमार मायने ही नहीं करता है इन बड़े बड़े मीडिया के लिए। किसके लिए? क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के लिए मायने नहीं करता है, यूरोप के लिए मायने नहीं करता है। फर्स्ट पोस्ट की इस आर्टिकल को पढ़कर बड़ा ही अच्छा लगा और इन्होंने बहुत ही सही कहा है कि यहाँ पर म्यांमार से दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। किसको लेना देना है? चाइना और भारत को। इसलिए चाइना और भारत इस जगह पर एक्टिव दिख रहे हैं, आगे न जाने क्या होगा। वैसे आपको बता दें, सबसे बड़ी चीज क्या है कि चाइना यहाँ पर 2 तरीके से बौखलाया हुआ है। पहला, सैकड़ों ट्रक उड़ गए, जल गए और
चाइना और म्यांमार के बीच जो कॉरिडोर है जहां से व्यापार होता है वहां पर थ्री ब्रदरहुड ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। शान का जो प्रांत है उस शान के प्रांत में और एक धमाका किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था चाइना और म्यांमार के बीच में, उसे भी उड़ा दिया है। इसीलिए चाइना बहुत बौखलाया है। चाइना ने अपनी नेवी भी भेज दी है, पर सवाल ये उठता है कि ये बस उसी हद तक रहे तो अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि टूटते हुए म्यांमार को कब्जाने की कोशिश करने लगे चाइना। इसलिए यहाँ बहुत जरूरी है थोड़ा ध्यान देने की। जहां एक तरफ ये खबर आ रही है तो वहीं भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और तुर्की पाकिस्तान ईरान के लिए थोड़ी दुख की खबर जरूर है। तुर्की तो माथा ही पीट लेगा, क्यों? आपको बता दें इजराइल हमास जंग जब शुरू हुआ ना तो तुर्की बहुत खुश हुआ होगा। सच मानिए तो तुर्की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि तब ये मान लिया गया कि आईएमएफ प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। द डिप्लोमेट की इस खबर को देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर डेड। अब ये आते ही खत्म हो गया ये बात कह दी गई। उस समय डॉक्टर एस जयशंकर से भी ये सवाल पूछा गया कि क्या अभी भी इजराइल हमास की ये लड़ाई चल रही है, अभी भी आप आईएमएफ प्रोजेक्ट में रहोगे? अब ये व्यंग की तरह पूछा गया था और डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया था, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो आईएमएफ प्रोजेक्ट पर हम हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था ये आईएमएफ प्रोजेक्ट बनेगा और बनकर रहेगा, क्योंकि सऊदी और यूएई के इरादे कुछ इसी तरीके के लग रहे हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह ने लिखा है कि आईएमएफ को मिस करना बहुत बड़ी गलती होगी, आईएमएफ पूरा होना चाहिए। यहाँ तक कि बाइडेन ने भी इस बात को कहा कि हमास ने हमला इसलिए किया क्योंकि आईएमएफ बनने वाला था और आईएमएफ एक ग्लोबल इस तरीके का गेम चेंजर है जो आज से पहले तक नहीं था। इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति हो जाती, सब कुछ हो जाता और सारे देश जो इसमें जुड़े हुए थे सभी को कुछ न कुछ लाभ होता ही। आईएमएफ प्रोजेक्ट चाइना के लिए सबसे बड़ा संकट था क्योंकि चाइना का ये कंपटीशन। G20 में जो सबसे बेहतरीन चीजें हुई है ना, दो तीन चीजें हुई है और उन दो तीन चीजों में से एक चीज है आईएमएफ प्रोजेक्ट। पर अब क्या, इजराइल हमास की लड़ाई हो रही है, 7 दिनों का शांति हुआ, फिर से ये झगड़ा कर रहे हैं, फिर से ये बमबारी हो रही है, तब कहाँ चला गया ये आईएमएफ प्रोजेक्ट? तो आपको बता दें सऊदी ने बता दिया है कि आईएमएफ प्रोजेक्ट कहाँ है और ये सबसे बड़ा झटका है तुर्की के लिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सऊदी की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है MOU ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ की संसद में बैठक हुई और जिस सिद्धांतों के आधार पर आईएमएफ बनना है उस पर मोहर लग गया। अब इसका क्या मतलब समझा आपने? इसका मतलब है कि ये ठंडे बस्ते में ये प्रोजेक्ट नहीं गया है और सऊदी अरब ने इसे सामने रख दिया है। अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने MOU को साइन किया है इस कॉरिडोर को बनाने के लिए। भारत के लिए बेहतरीन खुशखबरी है। वैसे भारत और सऊदी कई सारे प्रोजेक्ट में, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट, हाल फिलहाल में तो सऊदी अरब, यूएस और यूएई को भारत ने इंजीनियरिंग की चीजें भी बड़ी सप्लाई की है। कुल मिलाकर भारत के लिए चारों तरफ से खुशखबरी ही आ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।